ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का राज है हमारा और आपको ये करना पड़ेगा और राजवाड़े में आपको रहना है, आपको राजवाड़े में रहना है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। इंदौर में कांग्रेस नेता के धमकी को चुनौती देने वाले पुलिसकर्मी को विभाग ने साइडलाइन कर दिया है। पुलिसकर्मी सूबेदार अरुण सिंह को पुलिस विभाग ने 7 दिन के प्रशिक्षण पर भेजने का फैसला किया है। अधिकारियों की माने तो उन्होंने कांग्रेस नेता के साथ काम के बढ़ते दबाव और तनाव की वजह से बहस किया। हालांकि पुलिस विभाग की इस कार्रवाई के बाद राज्य की सियासत फिर से गर्मा गई है। लाकर के उनसे बातचीत की गई और ऐसा समझ में आया कि ये काम के ओवरलोड की वजह से और वो मौके पर थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति की वजह से ये थोड़ा सा हाइपर रिएक्शन इनका रहा और इस बात को समझते हुए 1 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए इनका एक प्लान किया गया है। रक्षित केंद्र में प्रशिक्षण कर रहे हैं, अन्य भी कर्मचारियों का कर रहे हैं जिसमें उनको उनकी हेल्थ और वेलनेस को लेकर के साथ में प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके इम्प्रूवमेंट को लेकर के उनका ट्रेनिंग की जाए और थोड़ी सी जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस लगातार फील्ड में काम करने की वजह से जो जनरेट होती हैं उसको हम काउंटर कर सकें, इनको थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्स भी हो सके और साथ ही ये 1 सप्ताह के प्रशिक्षण का फ़ायदा उठा करके और भी बेहतर तरीके से फील्ड में अपना परफॉर्मेंस दे सकें। राज्य की कमलनाथ सरकार पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मी के बहस वाले वीडियो को टैग करते हुए लिखा कि मैंने सुना है कमलनाथ सरकार ने इस निडर पुलिस अफसर को अपना कर्तव्य निभाने के लिए और कांग्रेस की गुंडागर्दी को ना मानने पर लाइन अटैच करवा दिया है। वाह राहुल गांधी जी वाह, क्या यही कांग्रेस का कानून के प्रति सम्मान है? लोकसभा चुनाव के माहौल में यह मामला काफी तूल पकड़ सकता है, इसका संकेत पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दे दिया है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले से ही कमलनाथ सरकार BJP के निशाने पर रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।